का दोस्तों हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर नए नोटिफिकेशन के सामने साथ आप लोगों के सामने मौजूद हुआ हूं। तो आइए चलिए देखते हैं कि कौन सा नोटिफिकेशन है, किसकी वैकेंसी आई है। तो ये जो वैकेंसी आई है वो यूपीपीसीएल में, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आई है, है ना। किसकी? एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। तो ये 2022 की वैकेंसी है। तो आइए देखते हैं इसका एप्लीकेशन कब से, इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, 19/8/2022 से स्टार्ट हो चुका है, 12/9/2022 तक एक चलेगा इसका एप्लीकेशन चलेगा, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, इसका जो एप्लीकेशन जो फीस होगी, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए ₹1,180 होगी और एससी एसटी के लिए ₹826 होगी। पीएच के लिए होगी, दिव्यांग है उनके लिए ₹12 होगी, है ना, उनके लिए ₹12 होगी। और जो इसकी एग्जाम डेट है, अक्टूबर सेकंड वीक में होगा पेपर, है ना, अक्टूबर के सेकंड वीक में पेपर होगा। और इसकी जो एज लिमिट है 1/1/2022 तक, 1/1/2022 तक आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और आपकी मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होनी चाहिए। किसकी एज लिमिट 1/1/2022 तक। अब इस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की टोटल 1033 पोस्ट आई, 1033 पोस्ट आई है, है ना। तो अब आइए इसके आगे बात करते हैं, इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए, है ना, एजुकेशन एलिजिबिलिटी। तो आपके पास किसी भी स्ट्रीम में, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी स्ट्रीम में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, है ना। और उसके साथ साथ आपकी टाइपिंग स्पीड है आपकी 30 WPM वर्ड पर मिनट में टाइपिंग आपकी होनी चाहिए, है ना। अब इसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, मतलब कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे पहले तो रिटर्न होगा, है ना, रिटर्न के बाद क्या होगा, टाइपिंग होगी। लेकिन रिटर्न हमारे दो तरह का होगा क्या, एक तो कंप्यूटर नॉलेज होगा और दूसरा जनरल नॉलेज का होगा, है ना। अब ये एग्जाम होगा ऑनलाइन एग्जाम, मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन होगा। अब इसके बाद क्या, मीडियम ऑफ एग्जाम और जो एग्जाम का पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और जो इस मतलब कि पोस्ट की जो सैलरी होगी, लेवल 4 की सैलरी होगी और 27,200 से लेकर 86,100 रुपये तक बीच में आपकी सैलरी मिलेगी, है ना। तो ये चीजें हैं। तो अब आइए इसके आगे बात करते हैं कि इसको, इस एग्जाम को देने के लिए इसका मतलब कि जो रिटर्न है, रिटर्न टेस्ट है, उसका सिलेबस क्या क्या होगा, है ना। बात करते हैं रिटर्न टेस्ट के सिलेबस के बारे में, है ना। इसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया, तीन पार्ट में तो पेपर आएगा ही। पार्ट वन में कंप्यूटर नॉलेज, पार्ट टू में जनरल अवेयरनेस, पार्ट थ्री में क्या है, टाइपिंग है। पार्ट थ्री में क्या है, टाइपिंग है, है ना। तो एक एक पार्ट को डिस्कस करते हैं, है ना। तो जो फर्स्ट पार्ट में है कंप्यूटर नॉलेज, तो कंप्यूटर नॉलेज जो उसका डिफिकल्टी लेवल होगा कंप्यूटर का, उस ट्रिपल सी स्तर का होगा, है ना। उसका क्या होगा, डिफिकल्टी लेवल होगा। अब इस कंप्यूटर में टाइप आप क्वेश्चन कैसे होंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे और इस टोटल क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन होंगे इसमें, कितने टोटल क्वेश्चन 50 होंगे। और इसी के साथ जो मार्किंग आप क्वेश्चन जो नंबर दिया जाएगा, एक क्वेश्चन एक मार्क का होगा। और इसमें जो निगेटिव मार्किंग होगी 1/4 होगी, 0.25, है ना, 0.25%, है ना, 0.25%, है ना। तो जो इसका जो मैक्सिमम मार्क है, तो मैक्सिमम मार्क इसमें कितना होता है, 15 मार्क होना है। और मिनिमम मार्क क्या है आपका, 20 है। तो जो मिनिमम मार्क ये है, मिनिमम मार्क आपका 20 है। तो अगर आप 20 नंबर पाते हैं तभी आपकी ये वाले पार्ट टू की कॉपी चेक होगी, है ना। अगर आप पार्ट वन में 20 मार्क नहीं पाते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, इधर पार्ट टू पार्ट थ्री कोई मतलब नहीं है ना। तो आपको मिनिमम 20 मार्क नंबर आपको इसमें पाना जरूरी है, है ना। और लेकिन पार्ट वन का जब पूरा कट ऑफ लिस्ट मतलब कट ऑफ तैयार होगा तो पार्ट वन का नंबर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, है ना। अब देखते हैं पार्ट टू की बात को, जनरल अवेयरनेस, है ना। अब जनरल अवेयरनेस में क्या होगा, सामान्य अध्ययन के 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स होगा, है ना। 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क होगा, है ना। अब तार्किक ज्ञान का,
तार्किक ज्ञान के 45 क्वेश्चन होंगे, 45 मार्क का होगा, है ना, 45 क्वेश्चन होंगे, 45 मार्क का होगा। अब इसी तरीके से सामान्य हिंदी की, सामान्य हिंदी में 55 क्वेश्चन होंगे और 55 मार्क का होगा, और इसी तरीके सामान्य अंग्रेजी 55 क्वेश्चन और 55 मार्क का। सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी इंटरमीडिएट लेवल की आएगी, मतलब 12वीं लेवल तक की आएगी, है ना। तो अब इसके बाद कुल अंक, जो कुल अंक है 180 क्वेश्चन होंगे, 180 मार्क का होगा, और इसमें भी पार्ट टू में भी इसकी निगेटिव मार्किंग क्या होगी, 1/4 होगी। अब मार्किंग ऑफ क्वेश्चन, वन क्वेश्चन वन मार्क का, ये चीजें होगी। अब पार्ट थ्री की बात हो गई, अब पार्ट थ्री में क्या आता है, टाइपिंग आता है। जो टाइपिंग आपकी होगी, जो फॉन्ट होगा, कुर्ती देव 010 या 016 के फॉन्ट में आपकी टाइपिंग कराई जाएगी, है ना। अब इसकी जो क्या है मैक्सिमम मार्क है, इसमें मैक्सिमम मार्क आपको 20 होना, 20 होना चाहिए, है ना, 20 आपको लाना पड़ेगा मैक्सिमम मार्क। अब 20 मार्क आपको तभी दिया जाएगा जब आपकी मिनिमम स्पीड 30 वर्ड पर मिनट और मैक्सिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट के बीच में होगी, तभी आपको 20 मार्क दिया जाएगा, किसमें, टाइपिंग में। तो ये चीजें मैंने आपको समझा दी है कि WPCL के, WPCL के उसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में क्या क्या आएगा। तो लेकिन जब आप फॉर्म भरने जाए तो उसका एक बार फुल तरीके से नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें, है। तो अब एक बात और बता दूं, हाँ, इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, पार्ट वन का नंबर नहीं जुड़ेगा, और पार्ट वन में आपको मिनिमम 20 नंबर्स लाना पड़ेगा, तभी आपका पार्ट टू और पार्ट थ्री पहुंच पाएंगे। तो मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। हमारे वीडियो कैसा लगा उसमें कमेंट जरूर करिएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।